विक्रम माणिक्य देव वर्मा आपके लिए लड़ता है। मैं आपके लिए लड़ता हूं क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक सोच है कि मैं महाराजा वीर विक्रम का नाती हूं, और अगर हमने अपने तोहफा के साथ धोखा दिया, क्योंकि ये पद, ये पोस्ट, ये लाल बत्ती पूरा जिंदगी आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन आपका तोहफा, आपका समाज, आपका बदल, अगर उसके साथ मैंने गद्दारी किया तो हमारा तोहफा हमको कभी माफ नहीं करेगा। महाराजा वीर विक्रम का नाती का सर नीचे जाएगा। इसके लिए मैं आपके लिए लड़ता हूं, इसके लिए मैं आपके लिए काम करता हूं और करूंगा। लेकिन आज कमल ने बताया कि शिक्षा, शिक्षा में अगर आपको, अगर अपने तोहफा को आगे ले जाना है, आप मत देखिए कौन क्या कर रहा, अपने जाति के अंदर देखिए। आज चक्री कुरुई, बिथी कुरुई, तुई कुरुई, लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि क्वालिटी कुरुई, लीडर्स नहीं है। आप शिक्षा कीजिए, पढ़िए, अच्छा लॉयर बनिए, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, अच्छा तिपरासा बनिए। अच्छा तिपरासा बनने के लिए आपको किसी और के ऊपर नहीं देखना है, अंदर देखिए। हमारे अंदर, हमारे तोहफा में आज क्या प्रॉब्लम है? महाराजा वीर विक्रम होता तो ये जो त्रिपुरा है शायद अलग होता। उनका उम्र कितना था जब उनका देहांत हुआ? अगर महाराजा वीर विक्रम जिंदा होता तो हमारा भविष्य जो सेकला का, सिकली का, चला का है, वो अलग होता। लेकिन भविष्य तो फिर से आगे भी बदलना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। कभी कभी मुझको बहुत चिंता होता, मेरा उम्र, जब महाराजा वीर विक्रम का देहांत हुआ, मेरा तो उससे ज्यादा उम्र है। मैं भी कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मुझे कुछ हो गया, कल बुबागरा को कुछ हो गया, तो आपका क्या होगा? इसके लिए अनुरोध करता हूं, सिर्फ बुबागरा की तरफ मत देखो, अपने अंदर से सेकला सिकली आप लोग उठ के आओ, क्योंकि आप हमारा भविष्य होगा और मैं हूं आपके साथ। लेकिन जिंदगी में कुछ चीज परमानेंट नहीं है, एक दिन बुबागरा भी जा सकता है। मुझे बहुत चिंता है आपका, रात में मैं सोचता हूं कि अगर मुझे कल कुछ हो गया, आपके लिए कौन लड़ेगा? और हमको थांचा चाहिए, थांचा ओंगी, थांचा रखो, ऑटोमेटिकली परिवर्तन होगा। थांचा नहीं, जब महाराजा वीर विक्रम था, वीर विक्रम ने बंगाली को नहीं देखा, मुसलमान को नहीं देखा, तिपरासा को नहीं देखा, त्रिपुरा का उन्नति को देखा। आज हमारा जो तोहफा है, अरे उसने रिग्नाई नहीं पहना, उसने रिसा नहीं किया, वो कॉकब्रू बोलता है, वो कॉकपोरक बोलता है, वो चाकमा है, वो मॉग है, वो बंगाली है, वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, लेकिन त्रिपुरा के बारे कोई नहीं सोचता है। आपको त्रिपुरा के बारे सोचना पड़ेगा। भूपेन बोरा जी यहां है, भूपेन बोरा आसाम से है। आसाम में भी एक राज्य था, अहोम। इनकी बीवी बोरगोहाइन, रॉयल फैमिली से। आसाम में आप जाकर देखिए क्या थांचा होता है, अहोम, आसाम में।
और जो थंचा होता है वो किसी के खिलाफ नहीं होता है, एक संग दोफा को एक करके होता है। आपको एकता रखना चाहिए। बोरा जी आए, उन्होंने कहा हमारे त्रिपुरा के बारे, इसके पहले और एक प्रोग्राम था, वहां में मुख्यमंत्री का बीवी आया नीति देव, उन्होंने महाराजा के बारे बोला। भूपेन जी दो दो बार एमएलए रह चुके हैं, वो आके बोल रहा है कि इनको गर्व लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा राजा था, एक ऐसा राजा था जिसने पूरा विश्व में त्रिपुरा का नाम, नॉर्थ ईस्ट का नाम ऊपर किया। तो इसका यह मतलब हुआ कि वीर विक्रम तो त्रिपुरा सा था, अगर वीर विक्रम कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकता। आप लोग कर सकता है, लेकिन अंदर क्षमता होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए और दोफा के लिए प्यार होना चाहिए।